हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जो भी स्टूडेंट 2023 में मैट्रिक और इंटर का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए खुशखबरी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं आपको एक एक खुशखबरी के बारे में जानकारी दूंगा और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस बार 10th और 12th का एग्जाम देने वाला है ना 2023 में, तो यह खबर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते आपके बोर्ड एग्जाम में मतलब कि 50% छूट दिया जा रहा है, यानी कि सब्जेक्ट में दोगुना प्रश्न पूछा जा रहा है और दोगुने में से आपको आधा का उत्तर देना होता है हर साल। मतलब कि पिछले 2 सालों से यह मतलब कि होता आ रहा है, जैसे कि 2021 में और 2022 में 2 साल मतलब कि आपको बोर्ड परीक्षा में 50% छूट दिया गया था। तो इस बार भी मतलब कि कई लोगों का कहना है कि सर क्या इस बार भी 50% मतलब कि क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम में, और कितने लोगों का कहना है कि नहीं 50% नहीं पूछा जाएगा। तो मैं आप सभी को पूरा गारंटी के साथ बता दूं कि अभी तक बिहार बोर्ड ने इस पर मतलब कि एक भी बार चर्चा नहीं किया कि इस बार भी मतलब कि 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या फिर इस बार 50% या फिर 60% पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार 21-22 में लगातार 100% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अभी तक उन्होंने मतलब कि कोई भी जानकारी नहीं दिया है ऑफिशियल वेबसाइट के तहत कि आप सभी का इस बार पैटर्न चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी आप लोग सब्र रखिए। अभी तो हम लोगों का ज़्यादा मतलब कि 60-70% उधर ही जाता है 100% को लेकर, क्योंकि देश भर में एक बार फिर से कोरोना महामारी जो लहर है ना वो मतलब कि उठ रही है, जिसके चलते मतलब कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है ना वो कक्षा मतलब कि 9वीं से नीचे के बच्चों को जो भी नीचे के स्टूडेंट हैं जैसे 8वीं 9वीं उन लोगों को प्रमोट करने का भी फैसला कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश ने मतलब कि फैसला ले लिया है, लेकिन बचा है बिहार बोर्ड। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार बोर्ड चाहे कितना भी कोरोना महामारी क्यों ना हो, बिहार बोर्ड अपने टाइम टेबल से एग्जाम ले ही लेती है और हर साल फरवरी के महीने में ही परीक्षा ली जाती है। तो इस बार भी फरवरी के पहले ही सप्ताह में आप सभी का फाइनल एग्जाम स्टार्ट होगा इंटर का। उसके बाद से जैसे ही इंटर का समाप्त होगा, ठीक वैसे ही आप सभी का 10th का भी फाइनल एग्जाम शुरू हो जाने वाला है। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत लड़के का कहना है कि सर इस बार क्या कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया, इसी को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज है और कितने लोग इसी को लेकर अच्छे से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और कितने लोगों का कहना है 100% पूछेगा तो ज़्यादा पढ़ने की क्या हो सकता है, ऐसा मतलब कि सभी लोग मतलब कह रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप पास होने के लिए नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़िए। आप डेली हमारे साथ शाम सात बजे लाइव क्लास करिएगा। चाहे आपको बोर्ड एग्जाम में 60% पूछे या फिर 100% पूछे या फिर 50% पूछे, आपको 400 नंबर लाना ही है तो लाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िएगा ताकि मैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी मतलब कि एग्जाम से 1 घंटा पहले हर विषय का जो लीक पेपर होता ना उसका मतलब कि आप लोगों को मैं पेपर पहुंचा सकूं। ठीक है, तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन जरूर करना। अगर ज्वाइन करते हैं तो आप ही को फ़ायदा होगा, ठीक है, नहीं करते हैं तो मुझे को तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आपको नहीं मिल पाएगा। बहुत मैं हर साल सभी स्टूडेंट को मदद करता हूँ, बट जो ग्रुप में नहीं ज्वाइन होते ना उनको नहीं मिल पाता है पेपर। ठीक है, और एक और बात मैं आप सभी को बता दूँ, जो आपका हाई स्कूल में परीक्षा होने वाला ना हाई स्कूल में, उसका मैंने ऑलरेडी 1 दिन पहले ही मैंने पेपर क्या कर दिया मतलब ये ले लिया। ठीक है, तो मतलब कि आप लोग क्या करिएगा ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका पेपर दे रखा है। ठीक है, जो भी मतलब हाई स्कूल में 2nd टर्मिनल एग्जाम होने वाला ना उसका मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया, जाकर आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन की मदद से आप देख सकते हैं। ठीक है, 2nd टर्मिनल एग्जाम का जो पेपर है ना हर विषय का मैंने अपलोड कर दिया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके फाइनली जाइए और आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है,